हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लैंग्वेज माय लर्निंग चेंज द वे वी लर्न। सो दिस इज आवर मॉडल थ्री ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इन दिस मॉडल वी विल लर्न पैरेललोग्राम। पिछली यूनिट्स में हमने पैरेललोग्राम्स के एलिमेंट्स के बारे में जाना था। इस मॉडल में हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे, देन ऑल्सो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो what did we learn in this module? We will first learn properties of a parallelogram. First learn properties of a parallelogram, then diagonals of a parallelogram, and then some special parallelograms. Okay. So properties of a parallelogram में सबसे पहले हमारा जो properties आ जाता है वो है हमारा द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल लेंथ के होते हैं। लेट सपोज ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो इनके जो और ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो जो हमारा ए डी होगा वो बी सी के बराबर होगा और ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा। यानी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल मेजर के होते हैं। विच मीन्स अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, देन एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल डी। देन हमारा ये ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम होता है और ये हमारी एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर टू। ओके, property number 3 says the adjacent angles of a parallelogram parallelogram are supplementary। agar hamara koi ek parallelogram ban raha hai, let's suppose abcd ek parallelogram hai, to jo adjacent sides honge, the adjacent sides in a parallelogram jo honge wo supplementary honge, yani ki this angle and this angle should be equal to 180 degree। आप देख सकते हो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, और जब ए बी सी डी एक स्क्वायर होता है तो ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। सो एंगल ए एंड एंगल डी हो गया वो होगा आपका 180 डिग्री। ओके, बिकॉज 90 90 180 हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। बाइसेक्ट करता है, डजंट मीन बाइसेक्ट एट सम इम्पॉर्टेंट एंगल, ठीक है। जैसे कि आप रोमबस में देखोगे और बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखोगे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि पैरेललोग्राम के बेसिक और क्राइटेरियाज है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि सिर्फ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम जो है वो बाइसेक्ट करता है। विच मीन्स अगर एक पैरेललोग्राम हम ले रहे हैं एंड ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये ओ वर्टेक्स है, इसमें डी ओ इजिकल टू ओ बी होगा और ए ओ इजिकल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, नाउ सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हरत आता है हमारा रोमबस। रोमबस इज अ क्वाड्रिलेटर विद फोर साइड्स ऑल ऑफ हैव द सेम लेंथ, जिसके सारे लेंथ जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस में क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज द फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। जिसके फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज होते हैं, सबसे पहला तो होता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। All sides are equal, जो सारे साइड्स होते हैं रोमबस के वो इक्वल होते हैं। एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देन थर्ड पॉइंट है हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, ठीक है। एंड सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो साइड जो है ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, देन डायगोनल से ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। क्यों?
क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल्स यहाँ पे आप देख सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, दिस इज वन थिंग। देन कमिंग टू रेक्टेंगल, सो सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हमारा ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, एंड ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगल है, लेट सपोज। ठीक है, तो रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम है। कैसा पैरेललोग्राम है? रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, रेक्टेंगल क्या है कि स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, इन विच इच पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे आपके जो इच पेयर्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे आप देख सकते हो एडजेसेंट साइड है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसलिए अपोजिट साइड्स जो होते हैं, सॉरी, इसलिए सप्लीमेंट्री होते हैं, जो आपके एडजेसेंट साइड्स होते हैं उनके सम जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, विच मीन्स दे आर देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज क्या है रेक्टेंगल के? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल है, इट इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू इच अदर, और इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, क्या होता है? लेंथ लेंथों के बराबर होता है, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होता है। इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। हम सबसे अभी जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसके इनर एरिया के इनर जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। एंड देन सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। सारे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, एंड बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम लेंथ, और सारे के जो डायगोनल्स होते हैं वो सभी के सेम लेंथ होते हैं। ओके, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ कमिंग टू स्क्वायर। A square is a four-sided regular polygon, also known as quadrilateral with four equal sides. ठीक है, ऐसा quadrilateral जिसके चारों sides आपके बराबर होंगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो फिगर में, it has four equal angles, each measure 90 degrees. इसके चारों angles क्या होते हैं? 90 degree के measure के बराबर होते हैं। Square in geometry can also be defined as a parallelogram. इसे हम parallelogram भी बोलते हैं। Obviously बोलते हैं क्योंकि दोनों sides each pair जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बराबर भी होते हैं एज वेल एज पैरेलल भी है, इसलिए एक पैरेललोग्राम है। एंड इट हैज आल्सो अपोजिट साइड्स पैरेलल टू इच अदर, और जो इसके जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इच अदर एंड मीट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या करते हैं? ये मीट करते हैं। देन डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स पे। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ। जो अपोजिट साइड्स होते हैं स्क्वायर के दोनों क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं लेंथ में। देन ऑल फोर एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जो चारों जो एंगल्स है स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं। ईच बीइंग जो सारे होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 4, जो कि 90 डिग्री है, एंड दिस इज अ राइट एंगल। ओके, हम सभी जानते हैं ऑल फोर साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है स्क्वायर, और जिसके चारों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। रोम्बस में भी सेम थिंग होता है, चारों साइड्स बराबर होते हैं, बट वहां पे क्या होता है कि आपका 90 डिग्री पे एंगल्स नहीं होते हैं। करेक्ट, जो एंगल्स आपके जो इनर एंगल्स जो होते हैं, जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी है, वो वहाँ पे 90 डिग्री नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे बस आपके चारों साइड्स बराबर हो रहे हैं। बट स्क्वायर में ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं है। स्क्वायर में है कि आपका इनर एंगल 90 डिग्री होगा, प्लस आपका डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, एज वेल एज दे आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे, एंड ऑल्सो पैरेलल होगा बोथ साइड्स। ठीक है, एंड जो आपके जो इनर एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे, एंड ऑल्सो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। उसके जो चारों साइड्स होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। देन हमारा ये स्क्वायर का ये प्रॉपर्टीज हो गया, बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। यू कैन सी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस। वाई? क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली कर ही रहा है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी भी कर रहा है। इट हैज ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पास सब है। फिर इसके बाद क्या भी है? हैज फोर कंग्रुएंट साइड, इसके चार कंग्रुएंट साइड्स होते हैं, देख सकते हो। हैज फोर राइट एंगल्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, सबसे पहली बात तो है कंग्रुएंट होते हैं, देन बाइसेक्ट इच अदर,
परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स, और एंगल्स को बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं. ओके सो दिस वन आर द प्रॉपर्टीज. सो दिस ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू रियली एंजॉय माई सेशंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. दिस इज आवर लास्ट मॉड्यूल, सो आई रियली होप यू एंजॉयड माई सेशंस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.